ਮਿਰਕਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਲਾਜੀ ਇਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਖੋਦੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਚ ਇੱਕ ਕੰਬੋਜ਼ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ पुलिस अते फायर विभाग दे अधिकारियां ने मौके ते दौरा किया। पुलिस ने नगर कौंसल दे कार्य साधक अफसर दी शिकायत ते नजायज बेसमेंट पुट रहे व्यक्ति खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी अनुसार जिरकपुर पटियाला सड़क ते स्थित बालाजी इनक्लेव कलोनी विच किसी व्यक्ति वालों दुकान की उसारी की जा रही थी। उस वालों पहला तो नियमों अनुसार गुआंढी लई लोड़ींदी थां छड्ड के खुदाई की गई सी, पर अज ठेकेदार वालों इमारत की कंध नाल खुदाई करनी आरंभ कर दी गई, जिस कारण 2 मंजिला इमारत च तरेड़ा पै गई, इमारत डिग पई। डिगी इमारत च कमिस्ट की दुकान करदे वनीत कुमार ने दसिया कि दुकान की कंध हिलन का पता लगन ते वो अपने स्टाफ समेत बाहर आ गए और वेखते ही वेखते उन्हां दी इमारत ढह ढेरी हो गई। उन्होंने दसिया कि उन्होंने दुकान च करीब 30 लाख रुपए का समान सी जो इमारत दे नाल ही बर्बाद हो गया। जिक्रयोग है कि इसकी उसारी साल 2006 विच हुई सी अते यह दुकान लगभग 75 वर्ग गज रकबे ते बनाई गई सी अते यह किराए ते सी। इस मौके अपनी टीम नाल पुजे प्रशासनिक अधिकारियों ने दसिया कि नगर कौंसल वालों उसारीकर्ता खिलाफ बनदी कार्रवाई करने लई पुलिस नूं लिखिया गया। जिरकपुर पुलिस ने नगर कौंसल दे अधिकारियों की शिकायत ते इस संबंधी उसारीकर्ता खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। चंडीगढ़ तो पीवीसी न्यूज़ ली ब्यूरो रिपोर्ट।